रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन परिवहन विकास की संगोष्ठी का एक निजी भवन में किया गया आयोजन, निजीकरण रोकने पर हुई चर्चा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने विकसित भारत पर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है नमो ऐप, नागरिक विकसित भारत बनाने में सरकार की चल रही योजनाओं को ले सकेंगे जानकारी। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत प्रेम नारायण श्रीवास्तव की स्मृति में एमजी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर एकल गायन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, छात्रों ने गायन के माध्यम से दिखाया अपनी अपनी प्रतिभा। भाजपा के बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर विकसित भारत अम्बेसडर बनने हेतु नमो ऐप की महानगर कार्यशाला का महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा, नमो ऐप के माध्यम से महानगर के 2 से 3 लाख नागरिकों को जोड़ा जाएगा। खड़गपुर के नवागत एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने सोमवार को संभाला कार्यभार। मीडिया से बातचीत में एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की रहेगी पहली प्राथमिकता, फरियादियों को त्वरित दिलाया जाएगा न्याय। सोमवार को बदला नजर आया गोरखपुर शहर का नजारा। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने शहर के प्रमुख चौराहों का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का लिया जायजा। हर तरफ फर्राटे भरते नजर आए वाहन, नहीं दिखा जाम। गोरखपुर के कैंट थाने की पुलिस टीम ने शातिर जालसाजों को दबोचा। सीएम योगी के जनता दर्शन के नाम पर लोगों से वसूली करते थे शातिर जालसाज। गिरफ्तार जालसाजों के पास से दर्जनों प्रार्थना पत्र समेत 77 परिचय पत्र किया गया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर के एम्स थाने की पुलिस टीम को अहम कामयाबी लगी हाथ। पुलिस टीम ने फर्जी बैनामा के जरिए ठगी करने के 2 आरोपियों शातिर बदमाश श्याम साहनी समेत 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में वांछित बदमाशों पर नकेल कसने को लेकर चलाया गया अभियान। जनपद के 436 बदमाशों का कराया गया सत्यापन। सत्यापन के दौरान चोरी के सामान के साथ एक वांछित बदमाश को एम्स थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।